तो दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त एप्लीकेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, अब आप अपना खुद का फ़ोटो 3D में खींच सकते हो। दोस्तों जी हाँ, अब आप अपना खुद का फ़ोटो 3D में खींच सकते हो। ठीक दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उल्टा चोर के नीचे बने रेड आइकन सब्सक्राइब को दबाएं और उसी के पास बने बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि मेरी आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो आज आप अपना खुद का फ़ोटो 3D में खींचोगे भी और उसको फेसबुक पर शेयर करके या अपनी गर्लफ्रेंड को दिखाकर धूम भी मचाओगे। तो अब आप अपना खुद का फ़ोटो फेसबुक पर शेयर करके और गर्लफ्रेंड को दिखाकर धूम मचाइए, ठीक है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, प्ले स्टोर में जाना है। चलिए मैं अपना प्ले स्टोर खोल दिया है। अब प्ले स्टोर में जाकर यहाँ से आपको एक कैमरा डाउनलोड कर लेना है, जिस कैमरे का नाम है फोगी, PHOGI, फोगी थ्री डी कैमरा। तो आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है, फोगी 3D कैमरा। इस एप्लीकेशन का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, वहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो डाउनलोड करने से पहले आप पहले इसकी कुछ सेटिंग है वो देख लीजिए और फोटो कैसे खींचना है वो देख लीजिए। इस एप्लीकेशन को ओपन करना है डायरेक्ट यहाँ से, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद ओपन कीजिए और यहाँ पर आप देख रहे हो ये इस तरह का इंटरफेस का, और ये इसका होम पेज एप्लीकेशन का। यहाँ से तीसरे नंबर पर देखिए, ये लिखा हुआ है सेटिंग। सेटिंग पर इसकी कुछ सेटिंग करनी है। सबसे ऊपर लिखा है मूव सेंसिविटी, इसको यहाँ पर रख लेना है जहाँ पर अभी मैंने ये सेट कर रखी है, ठीक है। और इसके बाद इसमें यहाँ पर तीसरे नंबर पर लिखा है फोकस, यहाँ से फोकस को हम ऑटो पे ओके कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद बैक जाएंगे और उसके बाद सबसे ऊपर लिखा हुआ है टेक फोगी पर ओके जैसे हम करते हैं तो उसके बाद हम फोटो खींचने के लिए लागू हो जाते हैं, यानी फोटो खींच सकते हैं। तो अब हम टेक फोगी पर फोटो खींचकर मैं आपको एक 3D में फोटो खींचकर दिखाता हूँ। तो चलिए, तो जैसे ही हमने टेक फोगी पर ओके किया, ये कुछ बोलता है एप्लीकेशन, इसको पढ़ लीजिए कि ऐसे ऐसे काम करना है इस एप्लीकेशन में, ऐसे ऐसे फोटो खींच रहे हैं, सिखाती है आपको। तो इसको आप पढ़ भी सकते हो, अदरवाइज डायरेक्ट नीचे से स्किप कर सकते हो। मैं यहाँ पर इसको स्किप कर देता हूँ। तो जैसे मैंने इसको स्किप किया, आप देख रहे हो जिसका मुझे फ़ोटो खींचना है बंदा मेरे सामने है और मैं अब इसका फ़ोटो खींचूंगा। लेकिन फ़ोटो कैसे खींचना है ध्यान से देखना है। नीचे की साइड कैमरे का निशान बना हुआ है, आपको कैमरे के निशान पर टच करना है और कैमरे के निशान पर टच करते ही अपना मोबाइल घुमाना है राइट साइड। जी हाँ दोस्तों, दाईं ओर अपना मोबाइल घुमाना है, ठीक है। तो चलिए मैं टच करके इस पर कैमरे के निशान पर ये फ़ोटो खींच लेता हूँ। तो आपने देखा मैंने फ़ोटो खींच लिया, और ये उसके बाद फ़ोटो खींचने के बाद ये एप्लीकेशन एनालाइज करती है, उसको फ़ोटो को प्रोसेस करती है, 3D में डालती है, ठीक है। तो ये फ़ोटो 3D में डाल रही है, आप देख रहे हो प्रोसेस चल रहा है और ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। तो अब हम देखते हैं जो हमने फ़ोटो खींचा कैसा आया है। वो ये फ़ोटो हमने खींचा है, ये आ गया है, देख लीजिए, ठीक है। आप देख रहे हो बिल्कुल एकदम 3D में दिखा रहा है। तो जैसे ही मैं अपना मोबाइल घुमा रहा हूँ, जैसे जैसे ऐसे ऐसे ही फ़ोटो 3D में आ रहा है। तो ये तो दोस्तों 3D फ़ोटो था, यानी कि इसमें तीन डायरेक्शन आएंगी सिर्फ इसकी, ठीक है। और यदि आपको चारों डायरेक्शन का फ़ोटो खींचना है, चारों ओर घूमने वाला बिल्कुल ही, ये तो तीन साइड घूम रहा है, तो उसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखी है। जैसे ही ये वीडियो ख़त्म होगी ऊपर से वीडियो आएगी, उसको आप देख लीजिए, उसमें आप सीख जाएंगे कि चारों साइड से फ़ोटो कैसे खींचते हैं। ये सिर्फ तीन साइड से फ़ोटो खींचने वाली एप्लीकेशन थी, ठीक है। तो यदि आपको ये फ़ोटो देखने हैं तो दोबारा बैक जाएंगे इस एप्लीकेशन में, और उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने पहले भी काफ़ी सारे फ़ोटो खींच रखे हैं, ठीक है। तो इनको भी आप देख सकते हो, जैसे ये मैंने फ़ोटो खींचा था, तो ये देख लीजिए, ये भी काफ़ी अच्छा आ रहा है 3D में। और इसके बाद ये वाला खींचा था, ये देख लीजिए, ये सारे मैंने इसी एप्लीकेशन से फ़ोटो खींचे हैं, और देख लीजिए कितना अच्छा इफेक्ट आ रहा है इनका। तो दोस्तों इसमें एक बात ध्यान रखनी है, जो आप फ़ोटो खींच रहे हो ये आपकी एल्बम में नहीं जाएंगे, मोबाइल के एल्बम में नहीं जाएंगे। ये यदि आपको देखने हैं तो इसी एप्लीकेशन में खोलकर देखने होंगे, लेकिन आप इनको बस यहाँ से डायरेक्ट शेयर कर सकते हो, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो यदि आपको कोई फ़ोटो शेयर करना है तो उस पर डायरेक्ट ऐसे क्लिक करना है फ़ोटो पर, और ऊपर की साइड यहाँ पर देखते हो शेयर करने का ऑप्शन आ रहा है, और यहाँ से देख रहे हो आप नीचे की साइड फेसबुक लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ से फेसबुक के लिए हम टच करेंगे और उसके बाद इसको फेसबुक पर शेयर करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ आज आप सीख गए होंगे कि कैसे 3D में फ़ोटो खींचना है, और चारों साइड घूमने वाले फ़ोटो खींचने के लिए ऊपर वीडियो आ गई है, ये देख लीजिए। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।